जहाँ तक मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी के सभी मेंबर्स ने इसका भरपूर आनंद लिया है। आने वाले समय में भी हम ये लोग ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे जिससे लोगों में उत्साह और सबसे बड़ी अपनी भारतीय संस्कृति की पहचान हमारी बनी रहे और ये विश्व के अंदर हम एक ऐसा माहौल क्रिएट करें कि नहीं, भारतीय संस्कृति को कोई नहीं हरा सकता। बहुत मजा आया, बहुत अच्छा। अरे ऐसे ऐसे प्रोग्राम तो हमेशा होते रहने चाहिए। बहुत मजा, पहला प्रोग्राम मजा सोसाइटी का, बिल्कुल फर्स्ट प्रोग्राम था। अब जाके आज के टाइम में फॉरेन में लोग योग कर रहे हैं और हमारे लोग, देश के लोग इसे भूलते जा रहे हैं, लेकिन इस चीज को हम सब लोगों को मिलके बढ़ावा देना पड़ेगा और इस चीज की हम सब लोगों को शपथ खानी पड़ेगी कि हम लोग इस योग को और बढ़ावा दें। और मैं आप सभी से कहूंगी, करो योग, रहो निरोग। कैसा लग रहा था आज इस कार्यक्रम में? वाज फैबुलस, बहुत अच्छा लगा। सबने, सोसाइटी ने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया एंड मुझे लग रहा है ऐसे इनिशिएटिव लेते रहने चाहिए और सबको योग के बारे में, धर्म के बारे में, एंड इट इज अ नाइस कॉम्बिनेशन ऑफ धर्म एज वेल एज एक्सरसाइज। जय हिंद साथियों, और बता दूं आज 2 अक्टूबर है, लाल बहादुर शास्त्री जी और गांधी जी की जो है आज जन्म जयंती है। और अभी यहां पर जो है धर्म योगा लगाई है और रंग रसायन अपार्टमेंट के अंदर हूं, रोहिणी के सेक्टर 13 में, और बहुत बढ़िया तरीके से यहां पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया है। और यहाँ पर हालांकि योगा भी करवाई है, मैं अभी देख रहा था योगा के भी कार्यक्रम चल रहे थे और लाजवाब कार्यक्रम थे। और पूरी टीम मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है जो यहाँ पर ऑर्गेनाइज इन्होंने किया है। एक बार पूरी टीम से बात कर लेते हैं किस तरीके से आज का ये कार्यक्रम रहा था और क्या बताना चाहेंगे। सबसे पहले जय हिंद सर। जय हिंद सर। क्या नाम हुआ अपना? एंडी सिंगल। क्या बताएंगे सिंगल साहब आज के इस कार्यक्रम को लेकर? ये कार्यक्रम जो है गांधी जयंती पर हमने जो मोदी जी के आह्वान का, जैसे स्वच्छता दिवस के रूप में भी एक हफ्ते से हमारे यहाँ पे बाकायदा उसी तरह से सफाई अभियान चला और ये आज बापू जी को समर्पित है। इस विषय में हमने एक धार्मिक योग, जो भजनों के ऊपर ना के गानों के ऊपर, भजन और योग, इसका मिश्रण का पहली दफ़ा हमने एक तजर्बा किया है। जो हमारे कल्चरल टीम है, अंजू बैज जी और अंजलि गुप्ता जी, ये उनकी सारी मेहनत है, मेरा तो खाली इनको योगदान है कि भाई हाँ ठीक है आप आगे आके करें जो भी कर सकते। मतलब आपके सिर्फ परमिशन थी, बाकी सहयोग सबका? नहीं, खाली परमिशन नहीं थी। अच्छा। जैसा भी इनको योगदान चाहिए हाँ। उसका प्रयास किया गया कि भाई वो आपको मिले, लेकिन नहीं आप बीच में ना। तो इसमें ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने पहला कार्यक्रम किया है। अच्छा। जब से ये टीम बनी है हमारी सोसाइटी बहुत ऊंचाइयों पे जा रही है और ये ऐसे इस टाइप के प्रोग्राम करते रहते हैं। पहले भी कभी हुए होंगे लेकिन उनकी और इसकी कोई तुलना है ही नहीं। वो सारा योगदान मैं तो इन्हीं को देना चाहूंगी। चलिए मैं कुछ और लोगों से भी आपकी बात कराऊंगा। क्या नाम हुआ मैडम? मेरा अंजू बैद। क्या बताएंगे अंजू जी आज के कार्यक्रम को लेके? बहुत अच्छा लगा। हमारे प्रधान जी की सोच थी कि आज के जमाने में हम अपनी परंपराएं, अपना धर्म भूलते जाते हैं,
तो दोनों का एक मिश्रण किया कि धर्म भी हो गया और योगा भी हो गया, और छुट्टी का दिन है तो सबने बहुत अच्छे से एंजॉय किया और इसको सफल बनाया। अच्छा, जितने लोग यहाँ पे डांस परफॉर्मेंस कर रहे थे सब ट्रेंड थे या अनट्रेंड थे ये लोग? सारे ही अनट्रेंड थे, इसमें से तो कईयों ने पहली बार डांस का डी भी नहीं आता होगा वो किया है, लेकिन फिर भी लाजवाब कर रहे थे सब। देखिए, सबका साथ होता है तो सब कुछ अच्छा होता है, और ये सोसाइटी एक परिवार है तो हमारे यहाँ कोई कॉम्पिटिशन नहीं है तो सब अच्छा हो ही जाता है। क्या नाम हुआ मैडम अपना? अंजलि गुप्ता। क्या बताएंगे अंजलि जी आज के कार्यक्रम? आपको कैसा लगा पहले तो? मुझे तो वाकई मैंने तो शुरू में बोला कि मेरे को तो लाजवाब लगा। यही सबसे बढ़िया है कि आप लोगों को सबको अच्छा लगा बहुत प्रोग्राम, यही हमारी इच्छा थी कि सब बहुत अच्छा हो, और प्रधान जी के सहयोग से, संदीप चेट्टी जी के सहयोग से और अंजू के सहयोग से सब बहुत बढ़िया हो गया। सच्चाई ये है कि कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो तो सबका सहयोग जहाँ मिल जाता है वो काम कभी असफल हो ही नहीं सकता, और वाकई वाकई इस सोसाइटी के अंदर जो आज ये 2 अक्टूबर पे जो कार्यक्रम हो वो वाकई लाजवाब था। जी जी, हमारे यहाँ रोहिणी में फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नैयर साहब आए हुए हैं, आप, मैं चाहूंगा इनसे भी। हाँ, हाँ, बिल्कुल। नैयर साहब से तो मैं वैसे भी मुलाकात कर लेता क्योंकि हमारी पुरानी मुलाकात है। सबसे पहले सर आपको जय हिंद। जय हिंद। मुझे बहुत हर्ष हो रहा है और मैं बहनों को खास करके सलाम करता हूँ जो जुटी रही इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। भाई नारायण सिंगल का तो जवाब ही नहीं है, जो भी कार्यक्रम रोनी के 152 सोसाइटीज में मैं जाता रहा हूँ, शक्ति अपार्टमेंट, संगम वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन भाई सेठी जी जो कार्यक्रम करते हैं, सेक्रेटरी साहब यहाँ के, नारायण सिंगल जी जो प्रेसिडेंट हैं यहाँ के, 15 अगस्त के प्रोग्राम इन्होंने किए, 26 जनवरी के प्रोग्राम किए, दिवाली पे इतनी अद्भुत इन्होंने व्यवस्था की थी, बहुत अच्छी डेकोरेशन भी करी है। ये चुनिंदा सोसाइटियों में नहीं है, ये सबसे ऊपर सोसाइटी पे है, सबसे अच्छी सोसाइटी में मानी जाती है 152 सोसाइटीज में से। और भारत माता की जय, बंदे में दम है, बंदे में दम है, सेठी साहब भी कोई कम नहीं है। अभी तो 50 के भी नहीं हुए यार, कहाँ जाएगा। बहुत ही अच्छे कार्यक्रम ये करते हैं और उम्मीद है कि अगर दिल्ली में कोई भी कंपटीशन होगा सोसाइटियों का, अगर किसी भी कॉन्फेडरेशन से करते हैं हम, तो अगर सोसाइटियों का मुकाबला होगा तो ये सोसाइटी अव्वल आएगी, इसमें कोई शक नहीं है, अव्वल ही आएगी। इसमें बहुत अच्छा जन्माष्टमी के भी कार्यक्रम किया था, डांडिया का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा किया था इन्होंने, ये पीयूसी आए थे और मैंने देखा था जाके, यहाँ पर इतनी अच्छी डेकोरेशन थी राजस्थानी कट में, और डेकोरेशन बहुत ही अच्छी थी। मेरे ख्याल में सोसाइटी के रेट मेरे ख्याल फ्लैटों के 2 से 4 करोड़ हो जाएंगे, बताए। गिरा दिया गिरा दिया आपने, जो रेट और ज्यादा होने थे। अरे भाई साहब, पहले ही 4.5 है, ये 2 से 4 के। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो भी मिनी है वो कह रहे हैं 2 से 4 करोड़ और बढ़ जाएंगे। मैं कुछ लोगों से 6 करोड़ हो जाएंगे। कुछ लोगों से और बात कराऊंगा जिनका पूरे तरीके से तन मन धन से जो है आज के इस कार्यक्रम को लेकर के पूरा सहयोग रहा है। अच्छा, कैसे बताएंगे आज के इस कार्यक्रम को लेकर के आपको पूरी तरह से मौजूद है कार्यक्रम? देखिए, मेरा नाम संदीप सेठी है, मैं रंगरसायन अपार्टमेंट का जनरल सेक्रेटरी होने के नाते आज गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती की सभी देशवासियों को और अपनी सोसाइटी के सभी निवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज इस उपलक्ष्य में मोदी जी के आह्वान पर जिस प्रकार से लोगों ने यहाँ पर हमारा स्वच्छता अभियान के अंदर साथ दिया, और सबसे बड़ा योगदान था हमारी कल्चर कमेटी का, जिन्होंने आज योगा को एक धर्म के साथ जोड़ा, जहां आज की डेट में हम पाश्चात्य देशों के और रंग रिवाज में रंगते जा रहे थे, उसको हमने कहीं ना कहीं छोड़ते हुए, पाश्चात्य चीजों को छोड़ते हुए अपने भारतीय संस्कारों को अपनी नौजवान पीढ़ियों को देने का भरपूर प्रयास किया है। योगा एक हमारी प्राचीन सभ्यता का एक अंग रहा है, अभिन्न अंग रहा है अभी को कहूंगा मैं, जिसका आज की डेट में मोदी जी ने भी पुरजोर कोशिश करी है और दुनिया भर विश्व इसको आज अपना रहा है, और उस प्रकार से हमारी बहनों ने, भाभियों ने, माताओं ने जिस प्रकार से योगा को एक संगीत और एक एक्सरसाइज के साथ जोड़ा है, ये एक अभूतपूर्व हमारा प्रयास था, जहाँ तक मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी के सभी मेंबर्स ने इसका भरपूर आनंद लिया है। आने वाले समय में भी हम ये लोग ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे जिससे लोगों में उत्साह और सबसे बड़ी अपनी भारतीय संस्कृति की पहचान हमारी बनी रहे, और ये विश्व के अंदर हम एक ऐसा माहौल क्रिएट करें कि नहीं, भारतीय संस्कृति को कोई नहीं हरा सकता। ये तो वैसे भी सच्चा है कि हमारी भारतीय संस्कृति को किसी की मजाल नहीं कि जो हरा सके। क्या नाम हुआ सर अपना? अच्छा, इनके 33 पे से रिजर्वेशन थे ना, इन्होंने यहाँ ज्यादा दिखाया। अच्छा, मैं आऊंगा लौट के, फिर आपके पास आऊंगा, जो बच गए उनके पास जरूर आऊंगा।
क्या नाम हुआ सर अपना? उनका जैन। जैन साहब सबसे पहले जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अच्छा क्या बताएंगे आज के इस कार्यक्रम को देखकर? बहुत मजा आया, बहुत अच्छा। अरे ऐसे ऐसे प्रोग्राम तो हमेशा होते रहने चाहिए, बहुत मजा। पहला प्रोग्राम मजा था सोसाइटी का, बिल्कुल फर्स्ट प्रोग्राम था और सिंगल जी की वजह से ये हुआ, उनकी ये सोच है और बहुत मजा आया। वाकई सबके सहयोग से ही ये कार्यक्रम सफल हो पाते हैं और वाकई बहुत अच्छे तरीके से आज के इस कार्यक्रम को किया गया यहाँ पे। अच्छा क्या नाम हुआ मैडम अपना? चांदनी अरोड़ा। अच्छा अरोड़ा जी क्या बताएंगे आज के इस कार्यक्रम को मैडम? आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था, एक तो ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। सुबह के टाइम मॉर्निंग वॉक, आजकल की जो जनरेशन है वो उठने में सुबह लेट उठते हैं जिससे उनकी बॉडी स्टेमिना और सब कुछ बहुत वीक होता जा रहा है। तो ये अच्छी शुरुआत है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए कि वो सुबह सुबह उठें, एक्सरसाइज करें और इस तरह के प्रोग्राम सोसाइटी में बहुत हो रहे हैं और हम सोसाइटी में रहकर बहुत ही अच्छा फील करते हैं कि हम सब सोसाइटी से बहुत अच्छे सोसाइटी में रह रहे हैं। अच्छा एक चीज मैं पूछूंगा, जो आप लोग जो डांस की परफॉर्मेंस कर रहे थे, आप लोगों ने सीखा था या क्या था? नहीं नहीं, फर्स्ट टाइम ही करा था, बस उनको कॉपी कर रहे थे। अच्छा। लेकिन उनको देख देख के इतनी एनर्जी आई कि मतलब अनट्रेंड होते हुए हमने काफी अच्छे। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि यहाँ पर मैंने देखा कि छोटे बच्चे से लेकर के बड़ी उम्र तक के जो लोग थे वो इस कार्यक्रम के अंदर शामिल थे और कहीं ना कहीं योग को हमें अपने जीवन के अंदर जरूर अपनाना चाहिए। ये भी कुछ लोग हैं मैडम, मैं देख रहा था आप सिखा रहे थे यहाँ पर। नमस्कार आप सभी को। हाँ जी मैं एक योगाचार्य हूँ और मुझे इस सोसाइटी में करा के बहुत ही मजा आया। देखिए मैं सभी को कहूंगी, अगर आप लोग आगे बीमारियों से बचे रहना चाहते हैं, क्योंकि देखिए आजकल हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि छोटे बच्चे से लेके बड़े तक किसी को कोई रोग और किसी को कोई रोग, और सब लोग क्या है दवाइयाँ खाते हैं और सिर्फ सोचते हैं कि हम ठीक हो गए, बट वो इंटरनली ठीक नहीं हो रहे, वो अपनी बीमारियों को उल्टा दबा रहे और तरह की बीमारियों को बढ़ा रहे हैं। एक चीज़ के लिए आप दवाई लेते हो तो दूसरी तरह की बीमारी आपको लग जाती है। तो ये सब चीज़ें हम कैसे ठीक कर सकते हैं? योग के द्वारा। तो इसीलिए मैं सबसे कहूँगी कि मोदी जी ने जैसे योग का इतना प्रचार किया है तो हम सबको भी अपना डेली लाइफ में इसको, जैसे हम भोजन करते हैं ना, तो योग को भी ऐसे ही अपनाना चाहिए कि हम ज़रूर डेली योग करें। और अपनी इस सभ्यता को आप लोग देखिए, बाहर जाके आज के टाइम में फॉरेन में लोग योग कर रहे हैं और हमारे लोग देश के लोग इसे भूलते जा रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को हम सब लोगों को मिलकर बढ़ावा देना पड़ेगा और इस चीज़ की हम सब लोगों को शपथ खानी पड़ेगी कि हम लोग इस योग को और बढ़ावा दें। और मैं आप सभी से कहूंगी करो योग, रहो निरोग। जी जी जी। अच्छा क्या नाम हुआ मैडम? मधु खंडेलवाल। अच्छा कैसे बताएंगी, मैं देख रहा था कि बच्चे से लेकर के और सबसे बड़ी उम्र मेरे को शायद ऐसा लगा कि आपके हैं और इतनी उम्र में भी आप यहाँ पे। आपने मेरी स्पीच में जी शायद ध्यान दो अगर बताओ तो मैंने खंडेलवाल जी का नाम लिया था जी। हाँ, ये उनके पुत्र वधू से आप। अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सबसे अच्छा भाई नाम उन्हीं का होगा जो काम करके गए या काम करेंगे। धन्यवाद भैया, धन्यवाद भैया, धन्यवाद। मैं मधु खंडेलवाल स्वर्गीय लाला गोकुल चंद जी की पुत्र वधू हूँ और बहुत गर्व के साथ कहती हूँ कि मैं सोसाइटी से तब जुड़ी थी जब मैं विवाहित भी नहीं थी, जब ये जमीन देखी जा रही थी और रंग रसायन अपार्टमेंट की जो कमेटी थी वो यहाँ सोसाइटी बनाने के लिए आती थी, तो मेरे डैडी मतलब मेरे ससुर मुझे दिखाने लाए थे मेरे फादर के साथ कि भाई तुम्हारी बेटी शादी के बाद यहाँ रहेगी। शादी के बाद हालांकि मैं 9 साल सदर रही, उसके बाद ये सोसाइटी बनी और मैं यहाँ रही। बहुत गर्व के साथ कहती हूँ कि सोसाइटी दिन प्रतिदिन, क्योंकि देखिए कोई झंडा लेने वाला जरूर होना चाहिए, काम तो सभी कर लेते हैं, पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन जो सिंगल भाई साहब ने जो झंडा पकड़ा है और पीछे पीछे सब चल रही हैं, और विशेष तौर से हमारी महिलाएँ चल रही हैं, और क्यों ना चलें, G20 हो या चंद्रयान, सब जगह महिलाओं का वर्चस्व है, तो हमारी रंग रसायन की सोसाइटी की महिलाएँ भी बहुत योग्य हैं, ऊर्जा से भरी हुई हैं, उत्साह से भरी हुई हैं, एनर्जेटिक हैं और उनमें एक ऊष्मा है, वो एक ऐसी ऊष्मा जो एक परिवार में होती है, बंधने की ऊष्मा, बंधन की ऊष्मा, जिसमें अति किसी चीज़ की नहीं है, किसी को रोक टोक नहीं है, जैसा भाई साहब ने बताया, बस आप शामिल कीजिए कि आपको क्या करना है, आप बताइए और भाई साहब उसको साकार कर देंगे और वो साकार होता है। आज मैं देख रही हूँ बहुतों ने बहुत कुछ कह दिया, कहने को कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं गर्व से कहूंगी कि मुझे गर्व है कि मैं रंग रसायन हूँ। देखो इन्होंने कंपटीशन में सोच भी नहीं सकता। चलिए मैं एक एक लाइन जो है आप लोगों से भी बात करूंगा, मैं देख रहा था आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से डांस करते और मेरा पूरा ध्यान था। अच्छा क्या नाम है अपना? मनीषा। पूरी ट्रेनिंग ली थी या सिर्फ आज ही किया था? नहीं हम करते हैं, we are into exercise and zumba। अच्छा कैसा लग रहा था आज इस कार्यक्रम में शामिल?
वॉज फैबुलस, बहुत अच्छा लगा, सबने सोसाइटी ने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया एंड मुझे लग रहा है ऐसे इनिशिएटिव लेते रहने चाहिए और सबको योग के बारे में, धर्म के बारे में, एंड इट इज़ अ नाइस कॉम्बिनेशन ऑफ धर्म एज वेल एज एक्सरसाइज, तो आई थिंक ऐसा होना चाहिए। क्या नाम हुआ? निधि। क्या बताओगे निधि, आप रेगुलर करते हो या फर्स्ट टाइम? नो नो, एक्चुअली वी आर लाइक इनटू दिस लाइक 3-4 मंथ्स से, तो हम सर के साथ लाइक रेगुलर बेसिस पे करते हैं, तो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएट सोसाइटी की तरफ से, एंड लाइक मॉर्निंग सेशन इतना एनर्जेटिक था, तो आई थिंक सोसाइटी को ये रेगुलरली प्लान करना चाहिए एंड बहुत अच्छे एफर्ट्स कर रहे हैं पठान अंकल। अच्छा, ये बताओ आप लोग सिखाते भी हो या? नहीं, वी आर लाइक फॉर फिटनेस ओनली, खुद के लिए। अच्छा, क्या नाम हुआ? आस्था। क्या बताओ आस्था, आज के इस प्रोग्राम को लेकर? ये बहुत अच्छा था, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, सो धर्म योग इज वेरी नाइस, योगा जो गांधी जयंती के उपलक्ष्य में है, तो इट्स वेरी गुड इनिशिएटिव हेल्थ के लिए, मेडिटेशन के लिए, प्लस वेरी नाइस। चलिए मैं लास्ट में यही जरूर कहूँ। अच्छा, क्या नाम हुआ मैडम? पूजा बुबना। एक्चुअली हमारे यहाँ ये तीजों से स्टार्ट हुआ था सारा कल्चरल इवेंट, उसके बाद एक के बाद एक बहुत अच्छा होता गया, और अब आगे फर्दर भी नवरात्रे आ रहे हैं, दिवाली आ रही है, तो आप